सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जी हाँ दोस्तों, एक दफो वरी रिश्तो.com जी शानदार सफलता। एक महीने में अरणन घरन जी पक्क। जे कदे तवां के भी पेंजन बारन ला मैचिंग घर खपन त अजु ही कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा के पैनल 17 में 6 करोड़ रुपए की नदी से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महासचिव सोनिया दामी और पूर्व नगर सेवक भरत गंगोत्री के प्रयासों से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शहर विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की नदी दी थी। उसी निधि से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। आज 14 अप्रैल के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव सोनिया दामी जी का शुभ जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में पैनल 17 में 2 गार्डन और एक सीमेंट कंक्रीट रास्ते का भूमि पूजन साईं वसंचा दरबार के साईं ओमीराम जी के हाथों से किया गया। उल्लासनगर कैंप 5 के भाटिया चौक परिसर स्वामी शांति प्रकाश स्टैचू से 39 सेक्शन के अशोक पिक्किल शिवसेना शाखा तक के रास्ते को 4 करोड़ रुपए की निधि से सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बनाया जाएगा। इस रास्ते को सीमेंट रास्ता बनाने के लिए काफी समय से स्थानिक रहवासी मांग कर रहे थे, जो अब जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं भरत गंगोत्री जी के प्रयासों से अब इस रास्ते को साई आत्माराम चेतन राम जग्यासी मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस रास्ते का भूमि पूजन साई ओमी राम जी के हाथों से किया गया। वहीं पैनल 17 में बाटिया हॉस्पिटल के सामने सरोजनी देवी नायडू गार्डन को 50 लाख रुपए के निधि से सुशोभीकरण करने का भूमि पूजन भी साई ओमी राम जी के हाथों से किया गया। पैनल 17 में ही नेताजी गार्डन के पास ही विजय भारत गार्डन, जो श्री श्यामलाल उदासी गार्डन से भी जाना जाता है, इस गार्डन का भी 50 लाख रुपए के निधि से सुशोभीकरण साई ओमी राम जी के हाथों से किया गया। और 1 करोड़ रुपए की नदी से नेताजी चौक के पास डॉक्टर रामनानी जी के क्लिनिक से शांति सागर होटल तक के ड्रेनेज का काम किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महासचिव सोनिया दामी, पूर्व नगर सेवक भरत गंगोत्री, सुनीता बगारे, अमर हीरा, अनिल दामेजानी बगारे और बड़ी संख्या में स्थानिक रहवासी वहाँ उपस्थित रहे। जय जय वसंत गो, जय जय पारुषा, जय श्री झूलेलाल। बहुत ही पावन दिन, एक दिन पे बहुत सारी ढेर सारी खुशखबरियाँ हैं। जिस दिन पे भीम जी संसार में आए, वैसाखी का बड़ा पावन दिन है और हमारी मैडम भी खड़ी हैं यहाँ पे, बहुत प्यार है दरबार से, उनका भी आज जन्मदिन है। उस अवसर को और खुशनसीब बनाने के लिए हमारे दरबार के प्यारे, बहुत दरबार से प्यार है भरत जी। मुझे याद है बाबा साईं आत्माराम साहब जी के साथ इतना प्रेम था, बस फ़ोन करते थे, सब छोड़ के भाग के चले आते थे, इतना प्यार है, इतनी आशीष करके गए। मुझे याद है आज भी वो दिन, हम तो बहुत छोटे थे तभी, उस वक्त अभी भी छोटे हैं, बाबा बोलते थे बाबा तू जाम अगे आवेदन है, बस शरद जी ड्यूटी दीदे रहो। आज वही रंग देखने आ रहे हैं, फकीरों की आशीष है उनके ऊपर, वसंचा दरबार की असीम कृपा है, बस उनका आसरा लेके, उनकी कृपा लेके, उनकी रहनुमाई लेके आज बहुत ही प्यारा रोड बना रहे हैं यहाँ से स्वामी शांति प्रकाश स्टैच्यू से लेके 39 सेक्शन 10। बस दरबार की तरफ से यही दुआएं करूँगा कि ऐसे कार्य करते रहे और शहरवासियों की ड्यूटी की मानव सेवा, जन सेवा बहुत बड़ी सेवा है, बस ऐसी सेवा करते रहे और जो भी रुके हुए कार्य है उनके आके साईं रास करें और ऐसे ही मेहर की निगाह करते रहे और दरबार से ऐसे ही प्यार जुड़ा रहे। पूरे शहरवासियों को बधाई देता हूँ कि ऐसे मंगल कार्य हो रहे हैं और सब दुआएं कीजिए, सब दुआएं कीजिए, क्योंकि दुआओं का बहुत बड़ा रंग है, बस दुआओं होगी तो ये बहुत सारे प्यारे रास्ते बन जाएंगे। यही आशीर्वाद दरबार की ओर से। जय जय बसंत गोठ, जय जय पारूषा, रख लोड़ी वारते, जय श्री झूलेलाल। पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और जयंत पाटिल की कोशिशों से और उप मुख्यमंत्री निधि से 25 करोड़ की जो निधि हमारे माजी जिला अध्यक्ष है और अभी जो प्रदेश पे सर चिटने से सोनिया दामी मैडम, उनके प्रयासों से लाई गई है, उसमें से आज ये जो रोड है यहाँ से स्वामी शांति प्रकाश स्टैचू से लेके 39 सेक्शन तलक, वो 4 करोड़ की निधि से बनाया जा रहा है और आज ही इसमें टोटल 6 करोड़ के कामों का उद्घाटन है, जिसमें से एक ये 4 करोड़ की निधि का है, एक दूसरा है जो फायर ब्रिगेड से थोराट साहब के ऑफिस तलक एक ड्रेनेज का काम है और 2 उद्यानों का काम है, जो एक भाटिया के हॉस्पिटल के सामने उद्यान है और दूसरा एक विजय भारत उद्यान है जो स्वामी शांति प्रकाश उद्यान के बाजू में से है, उनके भी आज ही उद्घाटन रखे गए हैं।
तो ये टोटल उन 6 करोड़ों का काम का आज उद्घाटन किया जा रहा है। और आज खास उपलक्ष्य में जैसे आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, बैसाखी और ख़ास करके हमारी जो जिला अध्यक्ष है सोनिया धामी मैडम, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये उद्घाटन रखे गए हैं। ये कब शुरू हो? ये कल परसों से ही चालू होने वाला है काम। कितने दिनों में समाप्त हो सकता है? ये 2-3 महीना तो कम से कम जाएगा। सर्वप्रथम मी आज उल्हासनगर शहरातील तमाम शहरवासियांना महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। आजचा दिवस प्रभाग क्रमांक 17 मधील सर्व नागरिकांसाठी खूप खुशीचा दिवस आहे। 2017च्या निवडणुकीमध्ये जेव्हा आम्ही प्रचारासाठी मतदारांकडे जायचो तेव्हा या रस्त्याचं एक स्वरूप वेगळं व्हावं अशी प्रत्येक मतदाराची भूमिका होती आणि ते पूर्णत्वास आणण्यासाठी आणि महाराष्ट्राचे आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांनी जो निधी दिला त्या निधीमधून आज या रस्त्याच्या विकासाचं काम सुरू होत आहे। या विकास कार्यामध्ये प्रत्यक्षरित्या अप्रत्यक्षरित्या ज्या ज्या कार्यकर्त्यांचा अधिकाऱ्यांचा सहभाग आम्हाला लाभला मी आजच्या या शुभदिनी त्या सर्वांना धन्यवाद देतो आणि आगामी काळात असंच सहकार्य त्यांच्याकडून त्यांच्या आमच्या प्रति असावं अशी आजच्या या शुभदिनी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि गंगोत्री साहेबांना आणि धामी मॅडमला भावी कार्यासाठी खूप खूप उल्हास लाईन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्हास लाईन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।